मैंने अपनी इंटायर लाइफ में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी है। और वो दिनोदर पहाड़ है। Hey guys, welcome back to my new vlog. Guys, आज हम vlog start कर रहे हैं अपने असलम भाई की दुकान से। हम लोग आए असलम भाई की दुकान पे। हम लोग बोले भाई यहाँ पर बोले नहीं हैं, पर इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। शाम को आए। ये हमारे इंस्टाग्राम किंग सलमान भाजी, इनको तो जानते होंगे आप, फॉलो कर दीजिए इन्हें इंस्टाग्राम पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम की। हमारा भाई है और यहाँ का स्टार है इंस्टाग्राम स्टार। गाइस, आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं नखत्राणा। जैसे दिखा तो चुका हूँ मैं आपको, नखत्राणा का रास्ता निकल कर अच्छे शॉट मिलेंगे ग्रीनरी की, तो आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं नखत्राणा। गाइस, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि मैं आ रहा हूँ मोथारा के रास्ते पर। बिट्टा से जो रास्ता जाता है वो नदी ने, मतलब पानी ने पूरा उनके पकोड़े लगा दिए, वो टूट चुका है पूरा। तीन चार दिनों से वो रास्ता बंद है, इसलिए मैं आ रहा हूँ मोथारा से। छोटा सा ब्रेक ले रहा था यहाँ पर, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए थोड़ी एनर्जी नहीं होगी इस व्लॉग में। चलिए चलते हैं नखत्राणा। गाइस, मैं आ रहा था यहाँ से, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था नखत्राणा का रास्ता, मुझे लगता है यही है रास्ता, लेकिन इस नदी ने हमारा रास्ता रोक लिया है। ये तो पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से देखिए एक गड्ढा है, बहुत गहरा पानी है यहाँ पर। ये जो पट्टी दिख रही है ना, यहाँ से मैं गाड़ी निकालूंगा, इंशाल्लाह निकल जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो बहुत गहरा पानी है, लेकिन यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। सो गाइस, फाइनली निकाल ली गाड़ी। थोड़ा सा वैसे मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर फिसल भरा है, वहाँ पर बहुत काई है तो फिसल रहे थे टायर, लेकिन जैसे तैसे निकल आया। सो गाइस, अगर आपको यहाँ से फोर व्हील से आना हो तो बिल्कुल भी मत आइएगा, यहाँ पर रास्ते बहुत ख़राब हैं। कम से कम 15 से 20 ऐसी नदियाँ आई हैं रास्ते में, हर जगह, मतलब 2-4 किलोमीटर चलो ऐसी नदी आ जाती है।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पहुंच चुका हूं नखाताना। इस वक्त बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं पालरदुना, यहां की बहुत ही फेमस जगह है, एक फेमस प्लेस है। तो हम वहां घूमने जा रहे हैं मैं और आशीष ब्रो। अभी हम नखाताना पूछ हाईवे पर हैं, जा रहे हैं पालरदुना। तो चलिए घुमाते हैं आपको पालरदुना। पालरदुना, चलिए अब चलते हैं वहाँ पर। अभी मेन प्लेस वहाँ पे, तो चलिए वहाँ चलते हैं आगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं पालरदुना और मैंने अपनी इंटायर लाइफ में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी है। मतलब कच्छ में भी इतना खूबसूरत प्लेस हो सकता है, यकीन नहीं होता हमको। अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। नखाताना से 19-20 किलोमीटर दूर है ये, और बोर्ड भी लगा होगा जब आप आओगे तो, रोड पर ही बोर्ड है। तो ये है पालरदुना, आनंद लीजिए इसका। दिखाता हूँ मैं आप, कुछ सिनेमेटिक शॉट लिए मैंने, वो देखिए आप। तो गाइस ये इसकी दूसरी साइड, थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, वो लोग खड़े हैं वहाँ पर, और इसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब पानी बहुत ही तेज पानी जा रहा था यहाँ से, वो वीडियो यहाँ का वायरल हुआ था। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मजेदार सो गाइस अभी बज रहे हैं 6:15 और हम जा रहे हैं घर पर। ये था पालरदुन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कच्छ में ऐसी जगह होना बहुत ही बड़ी बात है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। कहाँ से आओ आप? रास्ता तो मैंने आपको दिखा दिया है, सीधा सीधा रास्ता यहाँ पर आता है, और इतना ख़राब भी नहीं है रास्ता। अगर आप बाइक से आओगे और ऑफ रोडिंग वाली आपके पास कार है, तो ये बोलेरो या फॉर्च्यूनर, वो आराम से पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो आओ आप विजिट करो, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, मज़ा आएगा आप। गाइस हम पहुँच चुके थे घर और अब हम जा रहे हैं सूरल बीट पहाड़ पर। एक अमीना साला जान बूझ कर बाइक तेज चला रहा है, अल्लाह। तो गाइस हम अब जा रहे हैं पहाड़ पर, जिसके ऊपर का नज़ारा दिखा दूँ। और वो दिनोदर पहाड़ है,
जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। गाइज ये जो दिख रहा है सामने ग्राउंड, ये है बजरंग ग्राउंड। यहाँ पर एक बार आई थी हमारी चांद चरुपड़ी खेलने। और ये है पूरा एनकेटी का नजारा यहाँ पर ऊपर से। तो गाइस मैं व्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं व्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। चलिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।